सभी बाइक लवर्स, कैसे हैं आप? मैं हाजिर हूं आप सभी के लिए एक और लेटेस्ट न्यूज के साथ। R15M वर्सेस R15 V3, हम उन तीन बड़े बदलाव के बारे में आपको बताएंगे जो M मॉडल के रिवील्ड पिक से सामने आई हैं। यह लीक हुआ था कि R15M नाम से एक मॉडल पर काम चल रहा है और आज हमारे पास इसकी पहली तस्वीर है। हालांकि इमेज को प्रॉपर एंगल से क्लिक नहीं किया गया है, फिर भी यह कम से कम तीन बड़े बदलाव को एक्सपोज करता है जो मोटरसाइकिल को मौजूदा R15 V3 से अलग बताते हैं। R15 V3 एक ट्विन LED स्प्लिट हेडलैम्प डिजाइन के साथ आती है जो सच में बहुत अच्छा दिखता है। R15M को एक कम्प्लीटली न्यू फेस मिल रहा है जो R7 की याद दिलाता है। यह सेंट्रली लोकेटेड सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ आता है और इसके साइड्स पर ट्विन DRL है। FZX की तरह हेडलैम्प के लिए कोई प्रोटेक्टिव ग्लास नहीं है। इंडोनेशिया ने भारत से पहले अपसाइड डाउन फ्रंट फॉक्स के साथ R15 V3 रिसीव्ड किया। हमारे मार्केट के लिए V3 को कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फ्रंट शॉक एब्जॉर्ब्स जैसे कम फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया था। उस समय क्लियरली यामाहा का मानना था कि अमेरिकी डॉलर के साथ कीमत उस लेवल तक बढ़ जाएगी जो सेल्स को नुकसान दे सकती है। 2022 R15M अब गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन फ्रंट फॉर्क्स के साथ आ रही है और पूरी पॉसिबिलिटी है कि यह यहां से अपनी जर्नी शुरू करेगी और फिर दूसरे बाजारों में जाएगी। तो आप सभी लोग जिन्हें R15 पर USD की कमी के बारे में शिकायत थी, उनके लिए अधिक भुगतान करने के लिए तैयार हो जाइए। कल सामने आए टाइप अप्रूवल डॉक्यूमेंट के अनुसार नए मॉडल R15M की पावर्स को घटाकर 18.35 PS कर दिया गया है जो R15 V3 BS6 की तुलना में 0.25 PS कम है। ऐसा नहीं है कि यह सिग्निफिकेंट ड्रॉप है, लेकिन पावर चेंज का कारण क्लियर नहीं है। इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए यह और भी अधिक कंफ्यूज करने वाला है कि यामाहा डेफिनेटली इस मॉडल को एक स्पोर्टियर ऑफरिंग फॉर्म में प्रमोट करेगा, जैसा कि इसके अन्य M मॉडल के मामले में है। R15M में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ एक नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने का भी दावा किया गया है, पर हमारे पास कोई तस्वीर या डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसलिए हमने इसे डिफरेंस में नहीं जोड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक R15 की तस्वीर इसके डीलर शोकेस इवेंट के सामने आई है। इसका मतलब है कि मोटरसाइकिल पूरी तरह से तैयार है और इसे केवल लॉन्च की तारीख चाहिए जो आने वाले कुछ ही दिनों में या हफ्तों में कभी भी आ सकती है। सो बाइक लवर्स, आपको ये न्यूज कैसी लगी? अगर आपको भी इसका इंतजार है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमें बताएं और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो बाइक लवर्स हैं। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।